कार्टल। ये हिलती हुई उंगलियां मधु भाऊ की हैं, जो कार्टल के अंतिम एपिसोड में दिखाया गया था कि मधु भाऊ अभी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ मेजर भाऊ को भी अभय आंगरे ने मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर से दिखाया जाता है कि जंगल में मेजर भाऊ भी जिंदा है और वह अब इंतकाम लेगा। कार्टल। एकता कपूर के कॉन्सेप्ट के पहले सीजन कार्टल में रानी माई यानी कि कार्टल सीजन के स्ट्रॉन्ग पिलर रानी माई को तो धोखे से मार दिया गया, लेकिन वे भूल गए कि रानी माई के दोनों भांजे यानी कि मधु भाऊ और मेजर भाऊ अभी भी जिंदा हैं और कार्टल के सीजन 2 में ये दोनों धमाल मचाने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। जिस समय कार्टल का पहला सीजन रिलीज हुआ था, उसी समय मेकर्स ने कार्टल के दूसरे सीजन की योजना बना ली थी। तभी एक बेहद सस्पेंस के साथ कार्टल के पहले सीजन का अंत कर दिया गया, लेकिन मेकर्स देखना चाहते थे क्या कार्टल को दर्शक कितना प्यार देते हैं, और वह सही साबित हुए। कार्टल वेब सीरीज को भी लोगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज की तरह बहुत प्यार दिया और ये वेब सीरीज भी सुपरहिट रही। लंबे इंतजार के बाद सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कार्टल वेब सीरीज के सीजन 2 की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इसकी स्क्रिप्ट पूरे तरीके से लॉक हो चुकी है और इसकी शूटिंग बहुत जल्द फ्लोर पर आने वाली है। अगर हम कार्टल सीजन 2 की रिलीजिंग की बात करें कि ये सीजन 2 आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो इसकी शूटिंग चलेगी 4-5 महीने और ये सीरीज आपको पोस्ट प्रोडक्शन के बाद अगले साल यानी 2023 में जुलाई या अगस्त तक देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर से आपको अभय आंगरे, मधु भाऊ और मेजर भाऊ का एक भयंकर रूप सीजन 2 में देखने को मिलेगा। लेकिन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कार्टल के सीजन 1 में आपको किसका अभिनय सबसे अच्छा लगा, अभय आंगरे, मधु भाऊ या फिर मेजर भाऊ, या फिर एक और स्ट्रॉन्ग पिलर था रानी माई, जिनका सीजन 1 में ही अंत कर दिया गया, लेकिन उनके दोनों भांजे सीजन 2 में उनका बदला लेते हुए आपको जरूर नजर आएंगे। दोस्तों, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिए। आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।